gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Red Magic 9 Pro Plus जो हाल ही में लॉन्च हुआ गेमिंग फोन है, फास्ट रिफ्रेश रेट, फुल स्क्रीन ओलेड डिस्प्ले, फ्लेक्सिबल प्रोसेसर, सुपर बिन डिजाइन, आउटस्टैंडिंग हीट डिसिपेशन सिस्टम, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Red Magic 9 Pro Plus का इन डेप्थ रिव्यू बताने वाला हूँ जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले फोन की डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। तो ये है Red Magic 9 Pro Plus फोन जो फ्लैट बैक के साथ आता है, इवन कैमरा लेंस भी बैक ग्लास के अंदर ही प्लेस्ड किया है। कई सालों बाद ऐसी फोन की डिजाइन देखी है जो काफी फ्लैट मिलती है, बाकी कैमरा बम तो अलग से मिलता ही है। तो ये है नूबिया का Red Magic 9 Pro Plus फोन। इस फोन में कैमरा मॉड्यूल बम्पी नहीं मिलता है, होल फोन इज रियली इंटीग्रेटेड। इस फोन को होल्ड करने पे कोई ऑकवर्ड कैमरा बम्प की फील नहीं मिलेगी। फोन का वेट करीब 231 ग्राम्स का है। इस फोन को लेफ्ट एंड राइट हैंड से होल्ड कर सकते हैं, इट्स वेरी बैलेंस्ड इन दिस वेट। होल्ड करने में काफी अच्छी फील मिल जाएगी। और ये फोन Red Magic 9 Pro Plus का ब्लेड ट्रांसपेरेंट डार्क नाइट एडिशन है। दूसरे दो कलर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक नाइट ब्लेड और ट्रांसपेरेंट सिल्वर विंग्स मिल जाते हैं। आपको कौन सा कलर पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फोन के बॉडी में प्रीवियस जनरेशन की तरह एंगुलर डिजाइन मिल जाती है, यानी फोन के कई सारे कंपोनेंट्स ट्रांसपेरेंट बैक में विजिबल मिल जाते हैं। पर्टिकुलरली बॉटम एरिया में लॉट्स ऑफ स्क्रू देखने को मिल जाते हैं। बैक के टॉप लेफ्ट में दो कैमरा मिल जाते हैं और एक कूलिंग फैन मिल जाता है। दोनों कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। मेन कैमरा सैमसंग GN5 मिल जाता है और सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड कैमरा सैमसंग JN1 मिल जाता है। फोन को साइड से देखें तो फ्लैश मॉड्यूल स्लाइटली ऊपर उठा हुआ है, लेकिन फ्लैट सरफेस पे रखने से कोई फील नहीं मिलेगी। फोन के कूलिंग फैन में RGB लाइट इफेक्ट भी मिल जाती है और इस RGB लाइट को डिफरेंट कलर से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इस फैन से फोन का परफॉर्मेंस 30% ज्यादा मिल जाता है। सभी कीज एक ही साइड पे है तो गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। आई थिंक दिस डिजाइन इज स्टिल गुड। फोन के टॉप में एक्सट्रीमली एडवांस 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। पबजी गेमर्स के लिए 3.5mm हेडफोन जैक एक एडवांटेज है। फोन का फ्रंट देखें तो स्क्रीन में 93.7% तक स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, क्योंकि फ्रंट कैमरा अंडर द डिस्प्ले मिलता है, कोई पंच होल देखने को नहीं मिलेगा। फोन में स्क्रीन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग BOE की मिल जाती है। स्क्रीन में ग्लोबल ब्राइटनेस 553 nits तक मिलती है। स्क्रीन में कलर्स गमोट भी 100% DCI-P3 मिलता है। डिस्प्ले में रेजोल्यूशन 1116x2480 पिक्सल्स का मिलता है। 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब गेमिंग फोन में सबसे एक्साइटिंग पार्ट हार्डवेयर का ही होता है। फोन में हाल ही में लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, रैम LPDDR5X मिलती है और स्टोरेज UFS 4.0 मिलता है। हार्डवेयर तो टॉप ऑफ द लाइन मिल जाता है, साथ में यूनिक एयर कूलिंग सिस्टम भी मिल जाती है और लिक्विड कूल सिस्टम भी लगी है जो नए मटेरियल के साथ आती है। तो फोन में हीट डिसिपेशन तो टासू दिया है। स्पेशली फैन को टर्न ऑन करने के बाद परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा और यहाँ पे एयर भी फील कर सकते हैं। अंडर दिस हीट डिसिपेशन सिस्टम फोन में एंटूटू स्कोर 2.23 मिलियन तक मिलता है। गीगबेंच 6 का स्कोर देखें तो सिंगल कोर का 2258 पॉइंट्स और मल्टी कोर का 7102 पॉइंट्स तक मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट ऑल। अब फोन में गेमिंग की बात करें तो जेंसन इंपैक्ट वेरी हाई क्वालिटी में खेल सकते हैं। साथ में फोन में वेक मोड भी टर्न ऑन कर देते हैं और GPU का हाई क्वालिटी मोड भी ऑन कर देते हैं। बाद में सुमेरु सिटी में 30 मिनट्स खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 60.3 FPS तक मिल जाती है। 60 FPS की गेम में आपको एवरेज फ्रेम रेट 60.3 FPS तक मिलती है तो है ना ये गेमिंग में आउटस्टैंडिंग। माइनर सा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, बाकी गेम में तो फुल फ्रेम मिल जाती है और गेम में एवरेज पावर कंजम्पशन भी 5.8 वाट तक होता है। 30 मिनट्स में 12% बैटरी का यूज हो जाता है और फ्रंट का टेम्परेचर 43.6 डिग्री तक जाता है और बैक का टेम्परेचर 44.6 डिग्री तक जाता है, जो इस गेम में काफी अच्छी बात है। अगर मैं एक्टिव हीट डिसिपेशन एंड नॉन एक्टिव हीट डिसिपेशन का डिफरेंस बताऊं तो यहां पे नो एक्टिव में एवरेज फ्रेम रेट 58.8 FPS तक मिल जाती जो पहले 60.3 FPS तक मिली थी और पावर कंजम्पशन यहां पे कम होगा 5.7 वाट तक होगा, लेकिन परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा। ऑनर ऑफ किंग गेम के टेस्ट देखे तो जहां पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट टर्न ऑन करने के बाद 30 मिनट्स 120 FPS पे खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 120.8 FPS तक मिल जाती है, यानी इस गेम में भी फुल फ्रेम मिल जाती है और एवरेज पावर कंजम्पशन भी 3.4 वाट तक होता है और 12% बैटरी का यूज होता है और ऐसी गेम में फोन ज्यादा हीट भी नहीं होता है। तो 30 मिनट्स खेलने के बाद फ्रंट का टेम्परेचर 39.2 डिग्री तक जाता है और बैक का जो टेम्परेचर वो 36.8 डिग्री तक जाता है और इस फोन में जेंसन इंपैक्ट 720p से लेके 2K रिजोल्यूशन तक खेल सकते हैं।
रेड मैजिक 9 प्रो प्लस के बैटरी की बात करें तो काफी लार्ज बैटरी मिल जाती है, 5500 mAh की यूज बैटरी मिलती है और 165 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जो बैटरी को 0 to 100% जस्ट 16 मिनट्स में ही चार्ज कर देता है। फोन में सॉफ्टवेयर भी काफी ऑप्टिमाइज मिल जाता है, इवन फोन में गेम पैड का सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ में इस फोन को मॉनिटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, माउस एंड कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी सेड दैट द रेड मैजिक 9 प्रो प्लस सीरीज इज मोर देन जस्ट अ मोबाइल फोन। रेड मैजिक 9 प्रो प्लस की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 5499 चीनी युआन से शुरू होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 64,600 तक होती है। ये जो प्राइस है वो 16GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है। कंक्लूजन पे आए तो इस फोन में मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फोन की बैक पैनल है, जो फ्लैट मिलती है। यहाँ पे कोई बम्प नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट फ्लैट पैनल मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड डिजाइन मिल जाती है, परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग ही मिलता है क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन, यानी टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स मिलते हैं। फोन में यूनिक हीट डिसिपेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है और बैटरी कैपेसिटी भी लार्ज मिल जाती है और फोन में OS भी ऑप्टिमाइज एंड एडवांस मिल जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं रेड मैजिक 9 प्रो प्लस के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए x.com फॉर्मली ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के अनबॉक्सिंग और रिव्यू 1 मिनट में देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।